स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से तो यह एक ऑफलाइन एग्जाम है और साल में दो बार कराया जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं इसको पास करने के लिए 40 परसेंट लाना होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम तीन घंटे का होता है और इसके साथ ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक ही लैंग्वेज में होगा फॉर्म भरने के टाइम आपको 11 लैंग्वेजेस में ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपने फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज में ही आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड इनडायरेक्ट सेक्शन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने एग्जाम्पल के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम ट्वेल्व जो 2018 में हुआ था उसके क्वेश्चंस को लिया है पहले आते हैं डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे 32 से 37 क्वेश्चंस होते हैं और यह क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान है इन क्वेश्चंस के लिए बेयर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होते हैं पहला जिसमें सेक्शन पूछता है जैसे ये क्वेश्चन अ पर्सन इंस्टिगेट एनी पर्सन

ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अगर आपको इसका आंसर आता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस चेक कर लें बेरक्ट से अगर नहीं आता तो उस केस में चारों ऑप्शन को बेरक्ट में एक बार चेक कर लें अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेक्शन दिया होता है और आपको कंटेंट या उस सेक्शन का इंग्रेडिएंट को आंसर करना होता है ऐसे क्वेश्चन हैं अंडर सेक्शन टू थर्टी नाइन सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन फ्रेम चार्जेज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन डिस्चार्ज द एक्यूज इफ चार्जेज आर ग्राउंडलेस ओपन ट्रायल फॉर एविडेंस और कन्विट द एक्यूज इफ प्लीडेड गिल्टी इसका आंसर ऑप्शन बी है डिस्चार्ज द एक्यूज इफ द चार्जेस आर ग्राउंडलेस इसमें आपको कुछ नहीं करना डायरेक्ट उस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन में जिससे पूछा गया क्वेश्चन उसको ओपन कर लेंगे तो आपको ऑप्शन अपने आप ही मिल जाए सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इनकी वेटेज 35 नंबर के आसपास होती है और गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ये 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली बेरेक्ट से कर सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय एविडेंस एक्ट के एग्जामिनेशन विटनेस चैप्टर टेन में देखें सेक्शन तो 137 थर्टी सेवन क्लियरली कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम तो इसका मतलब है कि जो पार्टी लॉयर को अपॉइंट कर रही है उसी का एग्जामिनेशन होगा तो इस केस में आंसर बी होगा अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सेक्शन अपने आप ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि सेक्शंस मेंशन नहीं होता यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के आते हैं क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो 10 से 12 होते हैं इसमें रीसेंट केस लॉ और साथ ही लैंडमार्क जजमेंट्स भी पूछते हैं जैसे एक क्वेश्चन है शाहबानो केस वाज रिलेटेड टू ये केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो बेगम केस जो कि मेंटेनेंस ऑफ अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन का था सो so, अगर आप लैंडमार्क जजमेंट और साथ ही रीसेंट केसेस की लिस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर लें तो आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में आता है अदर्स क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट जनरल लीगल आस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं ये नॉर्मली 20 से 25 होते हैं ये क्वेश्चन बेयर एक्ट से तभी मिलेंगे जब आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ी हो नहीं तो आप इसके लिए रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं लेकिन इन सब क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करें क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन है हु कैन मूव पी आई एल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी पब्लिक ग्रुप एन जी ओ एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल कोई भी कर सकता है जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी ना हो उस केस में भी वो पी आई एल फाइल कर सकते हैं तो इसका आंसर ऑल ऑफ एवर होगा अब बात आती है कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसे ज्यादा फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सी पी सी सी आर पी सी आई पी सी एविडेंस एक्ट फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इनकी वेटेज चौवन नंबर है सौ में से चौवन नंबर इन्हीं छह सब्जेक्ट्स की वेटेज है अगर आपको फुल ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का वीडियो लिंक मेंशन है एग्जाम हॉल में क्या, क्या क्या करना है पहली बात आती है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दूसरा है टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस उसके बाद इनडायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस और सबसे लास्ट में अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एग्जाम में बेयर एक्ट जरूर ले जाएं इससे आंसर इजीली मिल जाएंगे और कुछ रेफरेंस बुक भी ले जा सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस हिंदू लॉ सी पी सी सी आर पी सी टी पी ए सारे एक्ट की बेयर एक्ट जरूर ले जाएं अब बात आती है क्या करना है प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर पॉसिबल हो तो लास्ट टेन ईयर के भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट को रिवाइज करें प्रीवियस पेपर के अलावा एम सी क्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से ही केस लॉ की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट प्रिपेयर कर लें अगर इन सब बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब